माय गॉड गाइस, पीछे से पानी आता हुआ और इन्होंने अपनी वाइफ को उठा लिया, नहीं तो पक्का बह ही जाती पानी में। देखो, ओ माय गॉड, ये हंसी वादियां, ये खुला और मुझे जो ना भूख लग रही है इन सब चीजों को देख के। आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइज, आप सोच रहे होंगे कि इस टाइम में कहाँ पे आई हूँ। मैं आई हूँ आर के बीच, जो कि विशाखापट्टनम की फेमस बीच है यहाँ पे। और यहाँ पे हम फुल मस्ती करेंगे आज। और यहाँ पे मौसम थोड़ा मतलब बारिश का है, हल्की हल्की बारिश लगी है यहाँ पे। तो देखो, ये है पीछे बीच और ये है मेरी गैंग पीछे दो और ये मेरे हस्बैंड टांगो बजा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। ये है नारियल के पेड़ और देखो इनका, देखो ये है अंदर का व्यू। और अब जा रहे हैं हम अंदर और मुझे जो ना भूख भी लग रही है इन सब चीजों को देख के। तो फिर थोड़ी देर के बाद खाएंगे पियेंगे, ऐश करेंगे, मौज करेंगे। कितनी अच्छी हवाएं चल रही है यहाँ पे, समुद्र की लहरें कितनी, मतलब बरसात के मौसम कितनी ऊपर ऊपर चल रही है। और गाइस यहाँ पे ना काफी ज्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं और देखो मतलब बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। गाइस देखो, मैंने लाइफ में पहली बार क्या देखा, पीछे ऊंट। चलो इस पाए बोलते हम आगे जाके, गाइस आगे जाके ना मैं इसके मुंह में मर गया ऐसे, अगर पहुंच गई तो इसके मुंह तक। तो फिर इतना हाइट में आठ रेस का है नहीं, ये नाटक करा नहीं। गाइस को तो कोई रिएक्शन ही नहीं है कुछ, अब तो सीरियस ऐसे भी कर रहा है, चुपचाप कर रहा है। यहाँ पे देखो कितनी अच्छी लोकेशन आ रही है और हमने यहाँ पे फोटो शूट की शूट की है, बहुत ही अच्छा है फोटो भी और बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है, फुल इंजॉय करेंगे। अभी हम पहली जगह पे आए हैं घूमने यहाँ पे, अभी और बहुत सारी जगह दिखाएंगे आपको। और गाइस मैं यहाँ आके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मतलब तो कुछ वर्ड वर्ड से बोले भी नहीं जा रहे हैं, तो माफ करना। और गाइस जब हम छोटे थे ना तो मतलब यहाँ ये रेत है ना, मतलब तो हम भी रेत के मतलब घर बनाते थे, जैसे कि बच्चा बना रहा है सामने। और गाइस सेम हम भी ऐसे ही बनाते थे। और गाइस वो रेत ना नाले की होती थी और ये समुद्र की है। गाइस ये देखो हमारी टीम के सहारे ऊपर चली गई है, तो चलिए अब हम भी चलते हैं वहाँ पे। गाइस ग्रीन स्टोन कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, बहुत ही समुद्र की लहरें के अंदर बैठ जाऊं तो मुझे ढूंढ लेना प्लीज। गाइस हवाई जहाज मतलब यहाँ से गया था ना हमारे एकदम सामने से और इनसे से क्या मेरी ऑन नहीं हो रहा था। जब जहाज उधर साइड में निकल गया था तब हम ऑन कर रहे हैं, ठंडी हवाएं चल रही है समुद्र के किनारे और मतलब मौसम काफी अच्छा है, धूप नहीं है, अगर धूप होती तो हमने तो पक्का काले काले जाना था, टैनिंग हो जाती हमें। तो गाइस देखो यहाँ पे थोड़ा ठंड का माहौल बन रहा है और देखो बच्चे यहाँ से यहाँ पे लोकेशन बहुत अच्छी है और यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, तो जाना तो पड़ेगा ही। तो चलिए दूसरी लोकेशन पे चलते हैं, दूसरी साइड का व्यू दिखाते हैं आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं। और ये है हमारे भैया जो कि बहुत ज्यादा अच्छे हैं। देखो सभी कितने ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं समुद्र की लहरों के बीचों बीच और हम सब ने फोटोशूट वगैरह कर लिए हैं अच्छे से एकदम। और ये जो पत्थर वगैरह थे ना ग्रीन स्टोन, तो इनमें भैया स्लिप हो गए थे और गिर के वीडियो नहीं बना पाई मैं, क्योंकि उस टाइम हम सेल्फी वगैरह ले रहे थे। और गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है,
और पीछे से समुद्र की लहरें भी आती है स्पीड से, देखना जरा। ये देखो ये आई, बहुत ही अच्छा नज़ारा है, मन लग रहा है यहाँ से जाने का बिल्कुल भी। और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं यहाँ पे। वाह गाइस, ये देखो इन दोनों को, कहीं बह ना जाए दोनों, ढूंढने से भी नहीं मिल पाएंगे फिर तो। तो मिल रहे कुछ देर बाद, मैं अपना नाम लिख लेती हूँ। वो घर भी बना लेती हूँ रेत का, जो मैंने नाले में बनाया था मैं समुद्र के किनारे बनाऊंगी। ये बन गया मेरे छोटा सा घर, ये देखो आगे से रास्ता इसका, ये देखो कितना भाई याद कर ना। बहुत मजा आया। तो गाइस यहाँ पे हमने रील वगैरह भी बनाई है इंस्टाग्राम की, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बनी है और व्यू भी बहुत ही अच्छा आया, मतलब चारों तरफ का। तो गाइस फॉलो मी अंजना राजपूत, ओके। वाह गाइस बहुत अच्छा लगा देख के, मैं बैठ तो बहुत भर गई हूँ जैसा कि आप लोगों को पता है, पर देखने में अलग ही खुशी है क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है नजदीक से, क्योंकि यहाँ पे सामने एयरपोर्ट है इसलिए। और गाइस मैंने छोटी छोटी चीजों को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती हूँ, क्योंकि यही मेरी खुशी है, मुझे बड़ी चीजों में खुश होती है। आप कौन थे, मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ इसके मुंह पे थप्पड़ देगो। दिल तोड़ के ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ऐ मेरे साजना, इससे आगे मेरे को नहीं आता। और गाइस यहाँ पे ब्राउन रेत की जगह काली मिट्टी है, काली रेत भी है ये देखो, और पता नहीं ये क्यों है हमें नहीं पता, यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ पे काली रेत भी है। सो गाइस यहाँ पे एक लोकल मिला हमें, तो उसने बोला कि यहाँ पे सिटी का ड्रेनेज आता है तो उसकी वजह से मिट्टी ऐसी ब्लैक ब्लैक हो गई है, पोल्यूशन। और गाइस इनको देखो कैसे लहरों के, मतलब समुद्र के बीच में साइड में रह गई है, और कपड़े वगैरह सारे खराब हो गए हैं, क्या कर रही है पता नहीं, कुछ नहीं पता। और गाइस यहाँ पे देखो सामने अंकल के शौक तो देखो बच्चों की तरह कर रहे हैं। सो गाइस पीछे मैं बना रही थी रेत का घर, तो यहाँ पे देखो डॉगी भी घर बनाने में लगा हुआ है, बेचारे को ठंड लगती होगी बाहर। स्टार्ट होता है बीच के, मतलब बीच के साइड में खाना पीना का सामान, और देखो यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। तो चलिए हमें भूख लग रही है, कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं, पता नहीं हस्बैंड कब जैसे खिलाएंगे, मैं तो वेट कर रही हूँ, अभी घुमाए ही जा रहे हैं। गाइस यहाँ पे तो मेले की तरह सामान रखा हुआ है, मतलब फेयर, हमारे यहाँ तो जब मेले लगते हैं तो तब लगाते हैं ऐसे निशाने, देखो लोग लक्स पे निशाने लगा रहे हैं यहाँ पे, ये लक्स है, और किसी का निशाना सही नहीं लग रहा है, देखो इसका लग गया था और थोड़ा सा रह गया लगते लगते।
अभी हम समुद्र से थोड़े ऊपर आ गए ऊंचाई पे, और देखो नीचे काफ़ी ज़्यादा लोग आए हैं समुद्र पे। और मानसून के मौसम में सभी लोग समुद्र की लहरों में मतलब अभी इंजॉय कर रहे हैं सभी। देखो कितना नज़ारा है, बहुत ही ज़्यादा लोग आए हैं, बहुत ही ज़्यादा। देखो कितना अच्छा सामान है, जैसे कि कच्छों के कान, शंख वगैरह, और यहाँ पे मिरर बहुत ही अच्छा डिज़ाइन में, दिल वाले भी और सिंपल भी है। कितने अच्छे डिज़ाइन है ये, मुझे तो बहुत अच्छे लगे, कभी मौका मिलेगा तो ले जाऊँगी पक्का, पर अभी नहीं ले जाऊँगी। बाहर जाते हुए और बादलों के बीच घूम होते हुए पर अभी नहीं होते, यहाँ पे साथ में एयरपोर्ट है इसलिए जहाज इतने नज़दीक से दिखाई दे रहा है, मतलब अच्छे से। जहाज में तो काफ़ी बार बैठने, जैसे मैंने पहले बताया आप लोगों को, बैठने में उतना मज़ा नहीं आता जितना देखने में आ रहा है। 15 अगस्त की तैयारी करते हुए लोग, हर घर झंडा। देखो सामने मंकी हाथ में आइसक्रीम लिए हुए, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है आइसक्रीम को देख के, और अपने दांत दिखा रहा है सड़े हुए, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। देखो बूटा अपनी भाषा में कहे तो छली, जो टेस्ट है हमारे अपने मतलब कोई छली में होता है ना उतना इसमें नहीं है, पर फिर भी ठीक ही है, काफी दिनों के बाद खा रही हूँ। और ये गाइस खा खा के थक गए नई जगह पर, हम पेट नहीं भर रहा है, खाने का मन कर रहा है बहुत ज्यादा। खाते रहो खाते रहो। सो गाइस आर के बीच के साइड में यहाँ कुछ मेले टाइप लगा हुआ है, हमारे यहाँ तो ऐसा रेड क्रॉस मेला होता था, तो यहाँ पे पता कैसा मेला है, यहाँ पे मिट्टी के मतलब बॉटल वगैरह बनाई है मिट्टी की, और यहाँ पे लकड़ी के ब्रश वगैरह है, तो चलिए घूमते हैं देखते हैं यहाँ पे। और गाइस जिनका मेन उद्देश्य है प्लास्टिक यूज नहीं करना है, और यहाँ पे हमने देखो नो प्लास्टिक एक्सपो, सबसे पहले इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, यहाँ की सरकार ने अभी प्लास्टिक बंद किया है, सो डोंट यूज प्लास्टिक। ओके ये देखो गाइस यहाँ पे लोग नेचुरल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ भी होता था रेड क्रॉस मिला, और वहाँ पे भी लोग मतलब अपने हाथ द्वारा चीज़ें बनाई होती है उनको बेचते हैं। गाइस पीछे बंदर की मूर्ति बनाई थी, और यहाँ पे देखो मछली की है, पता नहीं खा क्या रही है, समझ में नहीं आ रहा अभी तक, आप लोग देख लो, आप लोगों को पता चल जाए तो। सो गाइस आज का डिनर हमने रेस्टोरेंट में ही किया, डिनर बनाने से बच गई मैं आज। देखो दिन से शाम हो गई, देखो अंधेरा हो रहा है यहाँ पे, और अभी टाइम हुआ है 6:30 होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जल्दी अंधेरा हो जाता है। सो गाइस आज के मतलब आज बहुत मज़ा आया यहाँ पे, खूब इंजॉय किया आर के बीच में। सो गाइस तो आज के ब्लॉग में यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।